तो दोस्तों इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हर रोज़ हम कुछ न कुछ नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाते हैं और आपके तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। तो हम आज जो नया कुछ इन्फॉर्मेशन लाए हैं वो है, हमारे एक दोस्त ने JSSC ऑफिस के एक अधिकारी से फ़ोन पर बात की और उन्होंने रिजल्ट के बारे में, यानी इतिहास शिक्षक, हाईस्कूल टीचर हो, पंचायत सचिव हो, इन सब रिजल्ट के बारे में क्या कहा, इसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उन्होंने स्टे के बारे में भी क्या कहा कि कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, फिर भी रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस बारे में भी उन्होंने कुछ हिंट दे दिए हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, आगे वीडियो में बने रहें, पूरा देखें। और एक बात कि बहुत सारे लोग जो हैं पंचायत सचिव और हाईस्कूल टीचर के बारे में रिजल्ट की जानकारी के लिए बार बार JSSC ऑफिस फ़ोन करते रहते हैं। तो आपको इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको फ़ोन करते रहना है या नहीं, क्योंकि वो लोग भी परेशान हैं और उन्होंने क्या कहा इस बारे में उसकी पूरी जानकारी। डार्क में क्यों रखा जा रहा है सर अभ्यर्थियों को, डार्क में क्यों रखा जा रहा है सर अंधेरे में? आवाज सर, मेरा ये कहना है कि हम लोग वकील हायर करने जा रहे हैं, हम लोग फंड जमा कर रहे हैं सर। आप लोग दो तरफा बात बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं इस्टे है, दूसरी तरफ बोलते हैं वेबसाइट पे बने रहे हैं। कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते स्टूडेंट्स को? आपको जी सर, तो आपको क्या हम जवाब दिया बताइए आप। मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा सर, हम मुझे पता है कि आप ये रूल्स रेगुलेशन से बंधे हुए हैं। हम लोग 27 तारीख को बात करने आए, सीनियर के द्वारा हमें बोला गया सर कि इस्टे है, हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे कॉल करते हैं, आप बोलते हैं वेबसाइट पे बने रहे, हम लोग फंडिंग जमा कर रहे हैं ना सर। अगर इस्टे नहीं है तो हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? बच्चे रिजल्ट के बारे में पूछेंगे तो मुझे कहाँ देखने के लिए बताएंगे, आप ही बता दीजिए। तो फिर आप रिजल्ट के बारे में पूछते हैं जी, तो अभी तक तीन तरह से रिजल्ट मिला है, अगर वो रिजल्ट के बारे में पूछते हैं कि रिजल्ट कहाँ से आपको बताया ये जो बताया हाँ सर, बिल्कुल तो यही बात होना चाहिए ना सर। आप वेबसाइट पे हम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कम्प्लीट लिस्ट है सर हमारे रिजल्ट पे, तो दोस्तों जैसे कि पूछा गया पहला क्वेश्चन कि सर आप अंधेरे में क्यों रखते हैं, मतलब पंचायत सचिव को रिगार्डिंग पूछा जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप पंचायत सचिव से बोल रहे हैं? जी हाँ, तो पंचायत सचिव से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि, तो इन्होंने ये एक बात बोली कि सर आप कभी बताते हैं फ़ोन करने से कि हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, क्योंकि 27 तारीख को बताया गया था, फिर फ़ोन करने से आपके द्वारा बताया जाता है कि रिजल्ट के लिए साइट पर बने रहें। तो उनका जवाब था कि देखो, अगर आपको रिजल्ट जाना है तो हम पर्सनली आपको रिजल्ट का तो नहीं बता सकते हैं, इसलिए आपको साइट पर ही बने रहना होगा। और जहाँ तक तो की बात है हाईकोर्ट के स्टे लगने की बात, तो ये बात भी सही 100% कि हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, जिसके कारण अभी तो है रिजल्ट या कोई भी चीज़ आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, अगला 4 नवंबर के बाद भी कुछ हो पाएगा, ये चीज़ उनका कहना था। बाकी ये भी बोले कि बाकी आप सब कुछ समझदार ही हैं और सरकार से बात हो रही है इस बारे में, आगे क्या करना है रणनीति, आगे कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, JSSC अधिकारियों को भी, क्योंकि वो अपने तहत कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि JSSC बस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। अब सरकार के हाथ में है कि सरकार इस जो नियोजन नीति है इसको किस प्रकार से हैंडलिंग करती है और आगे प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाती है। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करें आपको ये जानकारी कैसे लगे दोस्तों, धन्यवाद।